लास्ट क्लास में आपका मैंने चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन करा दिया था, जिसमें बेसिकली हमने डेफिनेशन करी थी और उससे रिलेटेड कुछ रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन के बारे में जाना था। आज हम आइए आपके चैप्टर की सबसे सिग्निफिकेंट वैल्यूएबल पॉइंट्स जो हैं उनके बारे में जानते हैं। क्या डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है और वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो बेसिकली आज की हेडिंग है दोस्तों मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एनसीईआरटी में आपको दे रखी है हेडिंग नंबर 8.1.1 और उसका नाम है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी लाइन में जब मोशन करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जब मोशन करता है, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जब मोशन करता है उस मोशन को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या हुआ, हमें अब ये पढ़ना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तो उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी जो हमें स्टडी करनी है, पढ़नी है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आइए उसी सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं, पर इससे पहले मैंने एक पॉइंट लिख रखा है बोर्ड पे, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। क्या लिखा हुआ है दोस्तों पॉइंट, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। मतलब क्या हुआ कि मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कि आपका जो स्ट्रेट लाइन का मोशन होता है वो मोशन की सबसे सिंपलेस्ट टाइप होती है। मतलब जितने भी तरीके का मोशन होता है, सर्कुलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेशनल, ठीक है, जितने भी टाइप का मोशन होता है उन सब में सबसे सिंपल टाइप का मोशन होता है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये आपसे 1 मार्क्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब आइए डायरेक्ट हम अपने कंसेप्ट पे चलते हैं जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। पहले इसको समझते हैं फिर इसके डिफरेंसेस को करेंगे। तो आइए चलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सेक्टर पे, किस पे, कि डिस्टेंस क्या होती है दोस्तों और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो देखते हैं कि डिस्टेंस क्या है, ठीक है, पहले डिस्टेंस की बात करते हैं फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्टेंस क्या होती है दोस्तों, आप जहां तक भी, आप जहां से चलना शुरू हुए और जहां तक चल के गए, जहां से आप चलना शुरू हुए और जहां तक आप चल के गए, तो आपने इसके बीच में जितना आप चले हैं, जितना भी आप चले हैं शुरू से लेके आखिर तक, वो सारा का सारा जो उसके बीच में आपने जितनी दूरी तय की है वो सारी की सारी दोस्तों क्या कही जाती है, डिस्टेंस कही जाती है। उसको आप क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, और आप लिख सकते हैं एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है, कवर्ड बाय अ बॉडी, ये आपकी डेफिनेशन है इसकी, बहुत छोटी सी, कवर्ड बाय अ बॉडी, ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। इसमें सबसे वैल्यूएबल जो वर्ड है वो एक्चुअल पाथ लेंथ और दूसरा कौन सा है आपका, टोटल पाथ लेंथ। आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि सपोज आप एक पॉइंट पे चलना शुरू हुए, आप एक ये पॉइंट है, इससे चल के आप इस तक पहुंचे, आप पहले यहां गए फिर यहां गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर इस पॉइंट तक पहुंचे, तो आप जितना भी चल के गए हैं एक पॉइंट से दूसरे तक, मैंने ये ज़िगज़ैग बना दिया है, आप इसको चाहें तो सिंपल भी समझ सकते हैं। सिंपल क्या समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहां से चलना स्टार्ट करते हैं और यहां से आप यहां तक जाते हैं, तो जब आप यहां से लेके यहां तक गए हैं तो आपने जितना पाथ कवर किया है, मतलब जितना आप यहां से लेके यहां तक चले हैं, इस टोटल को आप क्या बोलेंगे दोस्तों, डिस्टेंस बोलेंगे। इस टोटल को क्या बोलेंगे आप, डिस्टेंस बोलेंगे। तो आइए मैं इसको और अच्छे से आपको क्लियर कराता हूं, एक बार पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं उसके बाद कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेंगे।
ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस का हो गया। अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पे। ये तो डिस्टेंस हो गया दोस्तों, ये डिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट, फिर मैं आपको दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा एक साथ। तो डिस्प्लेसमेंट पे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, आईएस के बारे में भी जानते हैं। अब इसको समझाने से पहले मैं कुछ पॉइंट है जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। पॉइंट क्या है, सपोज आप क्या करते हैं, ये एक पॉइंट है, यहां से आप चलना शुरू करते हैं ए, ये आपका पॉइंट है, यहां से आप चले ए, ये दूसरा पॉइंट है, यहां से आप चले बी, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो आप ए से चले ये 5 मीटर, यहां से आप आए इसको आप बी, सॉरी ये बी और ये दोस्तों आपका सी, ठीक है। आप यहां से आए यहां तक, क्लियर, ए से बी, फिर आप बी से सी, ये आपका सपोज 7 मीटर, क्लियर। तो जब आपका क्या है, यहां से ए से सी तक पहुंचने के लिए आप पहले इस रास्ते से गए, फिर इस रास्ते से, तो आपने ए से सी तक पहुंचने के लिए जो टोटल रास्ता कवर किया, इसको तो आप कहेंगे डिस्टेंस। पर ए से सी तक जाने का मुझे एक और रास्ता दिख रहा है जो कि मेरा शॉर्टकट रास्ता है, और इस शॉर्टकट रास्ते को मैं कहूंगा क्या दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। इस शॉर्टकट रास्ते को मैं क्या कहूंगा, डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब क्या हुआ कि आप जहां से चलते हैं और जहां तक जाते हैं, वहां तक आप जितना चले हैं उसको तो कहते हैं डिस्टेंस, और अगर उसी पॉइंट से वहां तक जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता अगर आपको मिल जाएगा तो उसको आप क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को आप क्या समझ सकते हैं दोस्तों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशन, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। कि आपका कहीं भी जाने का जो शॉर्टकट रास्ता होता है, उसी शॉर्टकट रास्ते को या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप हमेशा क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस तो वो सारी है, जितना आप चले हैं वो सारी की सारी डिस्टेंस है, और जो आपने शॉर्टकट रास्ता अपनाया है उसको आप क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो आइए इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, यहां पर क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस, दो पोजीशंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसकी एक और डेफिनेशन है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कि आपकी शुरुआती पोजीशन और आखिरी पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो भी रास्ता, पूरा को पूरा जो रास्ता अपनाते हैं उसको डिस्टेंस कहते हैं। तो कहीं भी जाने का जो शॉर्टकट रास्ता होगा उसको आप हमेशा डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और जो बड़ा रास्ता होगा उसको आप क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस कहेंगे। आइए इसमें अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से थोड़ा सा और समझते हैं, उसके बाद इसके डिफरेंसेस पर चलेंगे। एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको इन दोनों को समझाने की कोशिश करता हूं अच्छे से और ज्यादा क्लियर, उसके बाद हम इसके किस पर चलेंगे, डिफरेंसेस पर, जो आपसे पूछे जाते हैं कि डिफरेंसेस क्या है। जनरली आपका मैं पॉइंट लेता हूं एक छोटा सा, कि आप इस पॉइंट से चलते हैं ए से बी तक आप जाते हैं 10 मीटर, फिर बी से आप क्या करते हैं, ये बी पॉइंट है, बी से आप सी तक जाते हैं 5 मीटर, फिर आप बी से, यहां से सी से आप डी तक जाते हैं, ये भी कितना है, 10 मीटर। अब देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, या एक ऑब्जेक्ट यहां से ए से चलना शुरू करता है, ए से बी तक जाता है, बी से सी तक जाता है, सी से डी तक। अब आपसे अगर कोई पूछे कि ए से डी तक जाने में इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, तो पहले 10 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 10 मीटर, तो टोटल 10 प्लस 5 प्लस 10 बराबर 25 मीटर। तो ये तो इसकी क्या आ गई दोस्तों, डिस्टेंस, कि टोटल इसने कितना पाथ चला है, टोटल इसने कितना रास्ता चला है ए से डी तक जाने के लिए, ये तो हो गया डिस्टेंस। बट क्या ए से डी पे जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता है, हाँ जी बिल्कुल, ये रहा शॉर्टकट रास्ता, ये जो शॉर्टकट रास्ता जिसको मैं सर्कल करके दिखा रहा हूं, AD जो है ये आपका क्या होगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा आपका दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। और ये कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट जो भी है, अगर हम इसको मान लेते हैं हाल फिलहाल 5 मीटर,
तो देखिए ए से डी पे जाने का शॉर्टकट रास्ता 5 मीटर और लंबा रास्ता कितना पड़ा आपको 25 मीटर। तो ये आपका क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है कि कहीं भी जाने का जो शॉर्टकट रास्ता होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा और जहां पे जाने के लिए पूरा रास्ता अपनाएंगे लंबा रास्ता उसको डिस्टेंस बोलेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है आपका, ये जो चीजें हैं इसको हमें और थोड़ा सा, अब हम क्या चलते हैं डिफरेंस की तरफ। ये तो चीजें क्लियर हो गई हैं आपकी, अब हम किस पे चलते हैं दोस्तों, डिफरेंस की तरफ चलते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं, जो आपसे टीचर पूछना चाहता है, जो आपसे वो समझना चाहता है। इसमें मैं एक चीज और आपको बताऊंगा, कहीं भी जब भी आप कहते हैं आपके घर पे कोई आते हैं तो आप क्या करते हैं, वो लंबे रास्ते से आते हैं और आप उनसे पहले पहुंचना चाहते हैं, तो आप हमेशा जो रास्ता अपनाएंगे वो कौन सा होगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि आप अगर उसी रास्ते से जाएंगे तो आपको क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा या उनके बराबर लगेगा, जबकि आप अगर उनसे पहले पहुंचना चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा। तो जब भी कभी आप शॉर्टकट रास्ते से जाते हैं कहीं पर भी, और ज्यादातर आप अपनी डेली लाइफ में हमेशा डिस्प्लेसमेंट ही करते हैं, डिस्टेंस बहुत कम, क्योंकि आप लंबे रास्ते से कभी जाना पसंद नहीं करते, शॉर्टकट से शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं। तो जब भी आप शॉर्टकट रास्ते को ढूंढेंगे वो डिस्प्लेसमेंट और लंबा रास्ता आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। अब चलते हैं इसके डिफरेंसेस पे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं। ये आपके एग्जामिनर आपसे पूछते हैं, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो आइए इसकी डिटेल में चलते हैं, आपको पॉइंट्स में बताता हूँ क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूँ, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या क्या फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस और यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट। आइए अब इनके डिफरेंसेस को समझते हैं, एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहला इसका पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं पॉइंट लिख रहा हूं, डिस्टेंस में सबसे पहले आएगी आपकी डेफिनेशन। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, कवर्ड बाय अ बॉडी मतलब कि जो एक्चुअल पाथ कोई भी बॉडी चलती है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस, और यहां पे क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटा रास्ता जो होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा आपका क्या, कि आपकी क्या होती है, जो डिस्टेंस होती है, मैं यहां पे पहले पॉइंट लिख रहा हूं फिर आपको बताता हूं, डिस्टेंस कैन नेवर बी, या डिस्टेंस नेवर बी जीरो और नेगेटिव। ये दो पॉइंट है बट मैं इनको एक साथ आपको लिखवा रहा हूं। जबकि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और नेगेटिव, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसका रीजन, ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी कभी जीरो या नेगेटिव क्यों नहीं होगी और डिस्प्लेसमेंट जीरो या नेगेटिव क्यों हो सकता है, रीजन बता रहा हूं, बिकॉज, वरना आप उसको बिकॉज को हटा के लिख सकते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस डज नॉट depends upon direction, क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और यहां पे क्या हो जाएगा, displacement depends upon direction, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको यूजफुल है, जो आपके लिए पता होना चाहिए या इसका आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद और भी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हो गया। इसमें 5th पॉइंट और लिख लीजिए, डिस्टेंस एक तरीके की क्या है दोस्तों,
आपकी लेंथ है, लंबाई। डिस्टेंस का मतलब हम क्या कहते हैं कि इसकी कितनी लेंथ है। लेंथ का मतलब हम ये भी कह सकते हैं इसकी कितनी डिस्टेंस, ठीक है, कि ये जब चलती है तो एक तरीके का मैं बेसिकली क्या कहना चाहता हूं, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी। जैसे आप वजन नापते हैं तो किस में नापते हैं, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन, तो आंसर होगा किलोग्राम में नापना पसंद करते हैं। ऐसे ही जब आप डिस्टेंस को नापते हैं तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, किस में नापना आप पसंद करते हैं। तो डिस्टेंस एक तरीके की लेंथ है, इसलिए डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में। और डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके की लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं है कुछ और है, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके की लेंथ है, तो उसको भी हम किस में मेजर करते हैं, उसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं। तो ये पांचवा पॉइंट और लिख लीजिए, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट इज मीटर, या इट इज मेजर्ड इन, ठीक है, इसमें हम करते हैं मीटर। और इसमें भी एसआई यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, किसमें मेजर करेंगे, एसआई यूनिट इज मीटर। ठीक है, सिंबल क्या होता है ये। दोस्तों ये आपके पॉइंट हैं जो आपके लिए काफी काफी हैं, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपके इतने पॉइंट्स हैं जिसमें आपको 3 मार्क्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। आपको क्या लिखना है, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस आपकी कैन बी, कैन सॉरी डिस्टेंस नेवर बी जीरो और नेगेटिव। इनको आप 2 पॉइंट्स में चाहे तो तोड़ सकते हैं कि डिस्टेंस ना तो कभी जीरो हो सकती और ना ही डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, और क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है इसीलिए ये कैसी क्वांटिटी कही जाती है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, और इसको किस में मेजर करते हैं, मीटर में। क्लियर। उसके बाद दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ये जीरो और नेगेटिव क्यों हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप क्या कर लीजिए, क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इन पॉइंट्स को एक बार समझाता हूँ, ठीक है। आप लोग एक बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए मैं साइड में हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका क्लियर हो गया, ठीक है दोस्तों। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हमारा क्या है पॉइंट, बस आपको रीजन बताना है। बेसिकली तो कंप्लीट हो गया, बट आप रीजन समझिए, ठीक है, कि आपका डिस्टेंस कभी भी जीरो या नेगेटिव क्यों नहीं होता और डिस्प्लेसमेंट जीरो या नेगेटिव क्यों होता है। तो समझते हैं क्या है रीजन। देखो दोस्तों, मैंने पॉइंट बताया कि डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस, ठीक है, नॉट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। मैं इसी पॉइंट से आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, एक ही पॉइंट से, ठीक है, इसी से आपके तीनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट क्या है, कहने का मतलब कि जब कोई चीज डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही, इसका मतलब चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, या फिर ऐसे जाओ, कैसे ही जाओ, क्या इसका प्लस माइनस कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड है ही नहीं, तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ ये कभी भी आप पे डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज हमेशा और हमेशा क्या होती चली जाएगी, प्लस होती चली जाएगी, जुड़ती चली जाएगी, एड होती चली जाएगी। तो डिस्टेंस आपकी हमेशा पॉजिटिव आती है, हमेशा डिस्टेंस जुड़ती है, क्यों, क्योंकि उस पर डायरेक्शन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। आप चाहे इस डायरेक्शन में जाइए, चाहे वापस इस डायरेक्शन में आइए, चाहे ऊपर जाइए, चाहे नीचे आइए, आपकी डिस्टेंस हमेशा और हमेशा जुड़ती जाएगी, जुड़ती जाएगी, जुड़ती जाएगी, कभी भी वो नेगेटिव या आपकी क्या नहीं होती, जीरो नहीं होती, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ आपका पॉइंट आता है कि डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसको समझिए, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसका मतलब अगर इधर जाते हुए आपने 20 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है,
तो जब आप इसी डायरेक्शन में वापस आएंगे यहां तक, तो आप इस डायरेक्शन में जब गए थे यहां पे, ये टोटल यहां से जाते हुए 20 किलोमीटर, वापस आते हुए भी 20 किलोमीटर, तो जब आपसे डिस्टेंस पूछी जाएगी तो डिस्टेंस आप बताएंगे 20 प्लस 20 बराबर 40 किलोमीटर। पर अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो क्या डिस्प्लेसमेंट में आंसर 40 किलोमीटर आएगा? आंसर है नहीं। जाते हुए क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड है, इसलिए जाते हुए अगर ये प्लस थी तो आते हुए क्या हो जाएगी? माइनस। अगर ये ऊपर जाते हुए आपका कितना था? प्लस 5 मीटर, तो माइनस नीचे आते हुए क्या हो जाएगा? माइनस 5 मीटर। इसका मतलब ये क्या हो जाती है? प्लस का 20 माइनस का 20 बराबर कितना आता है? 0 किलोमीटर। ये मतलब होता है, इसीलिए आपकी क्या होती है? डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है, इसलिए वो हमेशा और हमेशा जुड़ती चली जाती है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड होता है, इसलिए एक तरफ जाते हुए अगर वो प्लस है तो दूसरी तरफ आते हुए वो क्या होगा? माइनस। अगर एक तरफ जाते हुए प्लस है तो डिस्प्लेसमेंट दूसरी तरफ आते हुए क्या होगा? माइनस। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड है। जब जब डायरेक्शन बदलेंगी तब तब डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी बदल जाएगा। इसका कोर रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, इसीलिए वो जीरो होता है। और डिस्प्लेसमेंट में ये पॉइंट याद रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट जहां से चलता है वापस अगर वो वहीं आता है, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। जैसे मैं अपने घर से निकलता हूं, ऑफिस जाता हूं और ऑफिस से आता हूं घर, तो कितना डिस्प्लेसमेंट? जीरो। जबकि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दो गुनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद अब आपका क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट और बचता है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर वीडियो कंप्लीट, ठीक है? तो स्केलर और पॉइंट वेक्टर क्वांटिटीज में कुछ भी नहीं है, कुछ भी पॉइंट नहीं है, सिर्फ इतना सा पॉइंट है कि जिन क्वांटिटीज में डायरेक्शन होती है, जिन क्वांटिटीज में क्या होती है? डायरेक्शन। तो मैं लिख देता हूं, स्केलर किसे कहते हैं? ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी सारी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उन सारी क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। इसीलिए डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में मैंने लिखा था वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस क्या होगा दोस्तों? डायरेक्शन। ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। इसका मतलब डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड दोनों में होता है। अब फिजिक्स में आप समझिए मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज। क्या? न्यूमेरिकल वैल्यूज। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका 0, 1, 70, 100, 500 जो भी काउंटिंग होती है, जितनी भी काउंटिंग होती है, उन सबको हम क्या कहते हैं दोस्तों फिजिक्स की लैंग्वेज में? मैग्नीट्यूड, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्वांटिटीज, न्यूमेरिकल वैल्यूज, उनको कहते हैं मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, और जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अब आपको समझ में आया, डायरेक्शन से ही तीन पॉइंट क्लियर हो गए हमारे, कि कोई भी चीज आपकी जिस पे डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा उसका मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब नेगेटिव या जीरो हो सकती है या नहीं, डायरेक्शन का खेल था, ठीक है? वो स्केलर है या वेक्टर, इसका भी रीजन क्या था? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का कंसेप्ट समझ के आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों एक न्यूमेरिकल छोटा सा, जिससे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रीजन याद रखना दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि डिस्टेंस आपकी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती डिस्टेंस जीरो। वो सिर्फ तभी हो सकती है जब ऑब्जेक्ट चले ही ना। अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल रुका हुआ है, यहां का यहां ही रहे, तो ही डिस्टेंस जीरो हो सकती है। अगर ये थोड़ा सा भी हिला तो डिस्टेंस आपकी कभी भी जीरो नहीं होगी। के लिए डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, कभी नहीं। अब एक केस है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, जिससे आपको समझाया है। यहां देखिए, ये आपका एक स्ट्रक्चर मैंने लिया, जीरो
10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। यहां से आप चलना शुरू करते हैं इस पॉइंट से, और ये आपका एक पॉइंट है, इसको मान लेते हैं ये ए है और ये आपका बी। सपोज आप ओ से कहां तक जाते हैं, सपोज आप ओ से कहां तक जाते हैं, ए तक। आप मुझे बताइए ओ से ए तक जाने में आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आंसर होगा जीरो से ओ से ए तक जाने में 40 मीटर, मीटर मान लीजिए ये, ठीक है 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट। क्या ओ से ए तक जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता आपको दिख रहा है? आंसर होगा नहीं, एक ही रास्ता है, इसका मतलब यहां पे 40 मीटर। डिस्टेंस भी 40 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 40 मीटर, क्यों? क्योंकि यहां पे जाने का और कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी लाइन में जा रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन में जा रहा है और वो सिर्फ आगे जा रहा है पीछे नहीं आ रहा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा और हमेशा एक दूसरे के बराबर होगा। इसको और आगे से चलते हैं, सपोज ऑब्जेक्ट ओ से चल के कहां पे जाता है, बी पे, तो बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आंसर क्या होगा, जीरो से बी तक तो कितना होगा 60 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट भी, क्या यहां से यहां तक जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता है? नहीं, तो ये भी कितना होगा 60 मीटर। अब चलते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, अब ऑब्जेक्ट ओ से ए तक गया, पर कैसे ओ से ए तक गया, पहले ओ से गया बी पे, फिर बी से आया कहां पे, ए पे। तो अब आप बताइए जब ओ से बी तक जाएगा, बी से वापस ओ तक आएगा, तो बताइए कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आंसर होगा डिस्टेंस कितना, जीरो से पहले बी तक गया तो मैं लिखूंगा ओ बी, फिर कहां तक आया बी से ए, ये लिखा मैंने। ओ से बी तक की डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, 60 मीटर मैंने लिखी, प्लस बी ए, बी से ए तक की डिस्टेंस कितनी है, 40 मत लिख देना, 40 तो यहां से है, यहां से देखो 10 का डिफरेंस, यहां से देखो 10 का, तो टोटल 20, तो कितनी डिस्टेंस हो गई 80 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की जब बात होगी तो क्या होगा, ओ बी प्लस बी ए, जाते हुए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए जाते हुए कितना होगा प्लस का 60, वापिस आते हुए कितना होगा माइनस का 20, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, इधर डायरेक्शन जाते हुए प्लस तो इधर आते हुए क्या हो जाएगी माइनस, तो देखो यहां पे कितना आंसर आएगा 40, क्यों, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन का फर्क पड़ गया। डिस्टेंस हमेशा और हमेशा ऐड होती है, डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट पे डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, तो देखो यहां पे ये आंसर दिख गया। अब अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ओ से चलता है और वापिस कहां पे आता है, ओ पे, ओ से बी तक जाता है और वापिस कहां पे आता है, ओ पे, बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आंसर क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120 मीटर, पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जाते हुए प्लस का 60 और वापस आते हुए, क्योंकि डायरेक्शन बदल गई, तो माइनस का 60, तो कितना आंसर आया 0 मीटर। देखिए इसे क्लियर हो रहा है, डिस्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, पर डिस्प्लेसमेंट कभी बढ़ा था कहीं पर घट गया, क्यों, जैसे डायरेक्शन चेंज होगी आपकी वैल्यूज भी डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, क्योंकि डायरेक्शन का फर्क डिस्प्लेसमेंट पे पड़ता है। इसका मतलब कि जब आप जिस पॉइंट से चलेंगे, अगर वापस आप उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, तो डिस्टेंस तो दोगुनी हो जाएगी बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। जैसे सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जब आप गोल गोल घूमते हैं सर्कल में, ठीक है, आप यहां से चलना शुरू किए, तो जब आप एक चक्कर लगाएंगे पूरा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पूरे एक चक्कर में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आंसर होगा जीरो, क्यों, क्योंकि आप जहां से चले थे वापस वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है जब आप जहां से चलते हैं वापस वहीं आ जाते हैं। पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस केस में, डिस्टेंस इसकी हो जाएगी 2πr, जो इसकी सर्कमफ्रेंस होगी वो, तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती अगर ऑब्जेक्ट चला है, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड होती है। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ी लेंथी है बट मैंने इसमें रीजन बताए हैं इसलिए ये लेंथी है।
क्लियर, और कोई रीजन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हाँ एक चीज और, ये जो क्वेश्चन है इससे आगे आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आपने वीडियो को अच्छे से समझा होगा, ये मेरा पूरा भरोसा है। नहीं तो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा सारे जवाब यही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं अगली हेडिंग के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।